This is Kerala. मुन्नार को एक्सप्लोर करने के बाद हम निकले अपनी अगली डेस्टिनेशन पे, जो कि है थेकड़ी, द एलिफेंट किंगडम ऑफ केरला। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिजायर ट्रैवल। कैसे हैं आप लोग? आज का दिन है हमारा फर्स्ट डे इन थेकड़ी और ये बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग डे है बिकॉज़ हम इस डे का बहुत दिन से वेट कर रहे थे। हमें जाना है आज एलिफेंट जंक्शन, जहाँ पे हम एलिफेंट्स के साथ शार लेंगे, फ़ोटो शूट कराएंगे। तो यहाँ बहुत कुछ होने वाला है आज, सो आज की वीडियो इज़ गोइंग टू बी रियली रियली इंटरेस्टिंग। उसके अलावा आप थेकड़ी की बहुत सारी चीज़ें और भी देख पाएंगे कि अगर आप थेकड़ी आते हैं तो आप यहाँ क्या क्या कर सकते हैं। तो आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आप जो है इस वीडियो को एंड तक देखें और बहुत सारा इन्जॉयमेंट कर सकें। वैसे तो आपको थेकड़ी में हर जगह ही जो है ना बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे स्टे मिल जाएगा, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम 800 रुपीज़, एज लो एज 800 रुपीज़, और अच्छे बड़े रिजॉर्ट्स भी मिल जाएंगे जो कि 5-star प्रॉपर्टीज़ भी हैं 15,000-20,000 की रेंज में। हम यहाँ पे रह रहे हैं, ये एकदम बजट होटल है और इसका हमने पे करा है ट्रिपल ऑक्यूपेंसी में 3,500 रुपीज़ फॉर 2 days, तो मतलब कि काफ़ी ज़्यादा सस्ता है। 1,750 रुपये है कुछ एक दिन का, वो भी ट्रिपल ऑक्यूपेंसी पे, तो काफ़ी अच्छा है। इस होटल में इन हाउस रेस्टोरेंट तो नहीं है, बट यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं यही इसकी एंट्रेंस है नीचे की तरफ ये, और इधर की साइड अगर हम जाएंगे तो काफ़ी सारे कैफेज पड़ते हैं। यहाँ पे अच्छा खासा पार्किंग एरिया भी है, तो गाड़ी वाड़ी पार्क करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका नाम है ग्रीन व्यू थेकड़ी। अब चलते हैं हम लोग। ये पूरा मार्केट एरिया है, यहाँ पे खूब सारी शॉप्स हैं और इधर की तरफ हमें जाना होगा, ये बोधी विहार भोजनालय, जहाँ पे हम अभी ब्रेकफास्ट करेंगे। इतने टाइम के बाद ना इतनी अच्छा खाना खाने को मिला एक्चुअली में, क्योंकि हम लोग 5-6 महीने से ट्रैवल कर रहे हैं ना, तो डोसा खा के और एकदम ना भर चुका था पेट साउथ इंडियन खा के, बट फाइनली आज हमारे लोग को पराठे मिले और पूरी मिली, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। मस्ट रिकमेंडेड है यहाँ पे आना आपको, मारवाड़ी, गुजराती, जैन, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन सब कुछ मिलेगा, तो ज़रूर कभी भी आप आते हैं तो ये वाला रेस्टोरेंट तो आपको जाना ही जाना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, सर्विस बहुत ही ज़्यादा अच्छी। तो भाई हमने गाड़ी पार्क कर दी है, जहाँ पे हमारा होटल है ना वहाँ से एग्जैक्टली 4 किलोमीटर्स है और हम पहुँच गए हैं। काफ़ी अच्छा है, मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ पहले, ये पूरा एरिया बहुत ही ज़्यादा सुंदर है ये। अब हमें इधर से सीधे जाना है, रिसेप्शन, टिम्बर ग्राउंड, बाथरूम पूल, कॉफी हाउस, रिलैक्स होम, सब कुछ सीधे। बहुत ही बड़े एरिया में लग भी रहा है ये बना हुआ, काफी ज्यादा अच्छा है।
ये एलिफेंट का नाम मीनाक्षी है। हाउ क्यूट। तो भाई हम लोग ने यहाँ पे पैकेज ले लिया है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अभी मैंने उनसे बात भी कर रहा था कि ये सारे जो एलिफेंट्स हैं वो यहाँ पे हैप्पी है कि नहीं है, तो उन्होंने खुद मेरे को दिखाया, एक एक का नाम भी बताया, मीनाक्षी और भी काफ़ी सारे एलिफेंट्स यहाँ पे, फोर एलिफेंट्स हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। हम लोग ने पैकेज ले लिया है 2000 रुपीज़ पर पर्सन। मैं आपको दिखाता हूँ, ये इनके सारे पैकेजेस हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हमने जो पैकेज लिया है वो ये वाला है, जिसमें राइड होगा, एलिफेंट बाथ एंड शार होगा, टिम्बर ड्रैगिंग, फ़ोटो सेशन, फीडिंग, टी एंड कॉफ़ी। और राइड जो यहाँ पे होती है वो 15 मिनट्स की होती है, बिल्कुल भी एलिफेंट्स के साथ मतलब ऐसा नहीं है कि ना मतलब उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हो, बिल्कुल भी नहीं करते, जितना बस वो हैप्पीली जितना आपको उनके साथ इंजॉय करना है, और उनकी बहुत ज़्यादा केयर है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। तो हम भी चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। तो अभी काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं तो हमारे को थोड़ा सा वेट करना होगा यहाँ पे, जो कि ऑब्वियस है। अगर आप कभी भी यहाँ पे आते हैं तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेकर आइए। अगर 2 घंटे का प्रोग्राम हमने लिया है तो हम ये ऐसा सोच के चल रहे हैं कि 3 से 4 घंटे यहाँ पे हमें लगेंगे। और अभी फ़िलहाल के लिए पीछे वॉशरूम है, इधर देखिए यहाँ पे वॉशरूम्स वगैरह भी और चेंजिंग रूम भी है इसी के अंदर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप बाथिंग सेशन वगैरह यहाँ पे ले रहे हैं एलिफेंट्स के साथ तो आपको चेंज भी करना पड़ सकता है, तो आप एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्लोथ्स ज़रूर यहाँ पे लेकर आएँ। और एकदम पूरा ग्रीनरी है ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे यहाँ से ही जो है वो सामने देखिए एलिफेंट्स पे बैठा जाता है राइड के लिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आगे की तरफ शूट करना तो फेस की तरफ। मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा ग्रीनरी में पहुंच जाए ना तब उनको दूं, है ना? हाँ। अभी हम लोग ने सिर्फ एलिफेंट राइड ही करी है और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थी, सिर्फ 15 मिनट्स की थी। मज़ा आ गई लिटरली अंबिका के साथ तो मज़ा आ गई। और हमारे एलिफेंट का नाम था अंबिका, बहुत ही ज़्यादा क्यूट, और वो ना आपसे फ़ोन ले लेते हैं और आपकी पूरी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बहुत सारी बनाते हैं, जो कि आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा सुंदर एलिफेंट था हमारा और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आई। एलिफेंट थी यहाँ पे, 4 एलिफेंट है, 4 फीमेल हैं, 2 के नाम हमें पता चल चुके हैं, 1 का नाम है अंबिका और दूसरे का नाम है मीनाक्षी। सबसे छोटू है मीनाक्षी, हाँ। जस्ट 22 ईयर्स। मीनाक्षी सबसे छोटी है, 22 ईयर्स ओल्ड। अभी फ़िलहाल हम लोग टी कॉफ़ी पी रहे हैं यहाँ पे, जो कि इंक्लूडेड है हमारे पैकेज में। अब इसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट स्टार्ट होगा। दीदी जब से आई आज पहली बार इसको साउथ इंडिया की ये फिल्टर कॉफ़ी मिली है पीने के लिए। फिल्टर कॉफ़ी। तो टी कॉफ़ी पीने के बाद अब हम जा रहे हैं टिम्बर, क्या था नाम? टिम्बर ड्रैगिंग। ड्रैगिंग का मीनिंग ऐसा होता है, पहले ज़माने में हाथी से ही यूज़ कर रहे थे टिम्बर का। अच्छा। लिफ्टिंग करना, ड्रैगिंग करना, मतलब
रिवर था मीडिएटर, और यहाँ के काट के फिर उनको बांध के रिवर में छोड़ देने का काम एलिफेंट्स का होता था। अच्छा। और वहाँ से दूसरे एलिफेंट्स कलेक्ट कर देते वहाँ से। अच्छा। ट्रांसपोर्टेशन सब होता था एलिफेंट के साथ, एलिफेंट्स के साथ ट्रांसपोर्टेशन। बट ये जो है प्रोसीजर्स आप हर जगह पे नहीं देख सकते हो। अच्छा। कैसा वो करते थे। अच्छा। ट्रैक करते थे। अच्छा। लिफ्टिंग करते थे। और पर्टिकुलर चीज हम यहाँ पे देखने वाले। अच्छा। So we got like two types of elephants, African and Asian elephants. Okay. In African elephants, आपने देखे हैं African elephants? Big. बड़े कान रहते हैं। अच्छा। कान बड़े वाले। Okay. क्योंकि वो भगवान में भी ऐसे बना है, मतलब वो हॉट रीजन में रहते हैं तो उनका कान भी बहुत बड़े है, क्योंकि उनका फैन जो है, कूलिंग रेडिएटर है, वो फैन ईयर्स ही होता है। ईयर्स ही। सब कैपिलरीज जो आते है वो कान से ही। अच्छा। कान में ही होता है वो। फ्लैपिंग करना बोले तो उनको ठंडा करने के लिए। अच्छा। तो फ्लैपिंग इसके लिए भगवान ने उनको बड़ा कान दिया है, और इनके छोटे छोटे मतलब मॉडरेट क्लाइमेट में रहते हैं तो इनको इनको इतना प्रॉब्लम नहीं आता। और ओनली मेल एलिफेंट हैव द टस्क, फीमेल डू नॉट हैव टस्क, सो दैट्स हाउ वी कैन आइडेंटिफाई मेल एलिफेंट एंड फीमेल एलिफेंट। बट इन दैट वन मोर प्रॉब्लम इज देयर, वन मोर कैटेगरी इज देयर, मखाना एलिफेंट। मखाना एलिफेंट इज अ मेल एलिफेंट ओनली, बट जेनेटिकली डिसऑर्डर टस्क नहीं आते उनके। ओके। तो थ्री कैटेगरी वी हैव इन एशियन एलिफेंट, एशियाटिक एलिफेंट। ओके। टस्क देयर बट नॉट दैट। या दे आर कॉल्ड एज टशेस। टशेस। ये छोटे छोटे रहते हैं, मतलब दिखाने के दांत नहीं है, खाने के दांत। सिर्फ खाने के दांत है। मेरा और एक क्वेश्चन देखा है, वो काटी क्यों रखा है वहाँ पर? और वो कौन जा रही थी? और वो कौन बैठा है भाई पास में? वो तो ट्रेनर है। ठीक है। उनका नाम शशि चेटन है। शशि 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 चेटन बोले तो ब्रदर को बोलते चेटन, शशि चेटन है। शशि चेटन। और उनका ही है हाथी सब, मतलब इनका बोले तो फर्स्ट हाउस कभी भी एलिफेंट के साथ रहता है। अच्छा। और सेकेंड हाउस उनका फैमिली होता है, महीने में एक बार कदम गया तो गया फैमिली में, ऐसा इनका रिलेशन। और इनका जो बोले तो हाथी के लिए भी ऐसा ही है। अच्छा। अभी ये जाएंगे तो बहुत बहुत सैड हो जाते हैं उन लोग। अच्छा। बहुत इमोशनली कनेक्टेड है। मतलब ये कभी डर से या मार से ऐसा नहीं है, ये लव अफेक्शन होता है इनके बीच में। सही बात। और ये जो है महावत के पास दो चीज रहता है, एक काटी रहता है जो स्टिक लगाए हुए, और जो अंकुश रहता है। अच्छा। अंकुश जो हुक से बनाया हुआ है, मेटल से है, पेड़ के। और ये गवर्नमेंट रूल ऐसा है, ये दोनों साथ में चाहिए, अगर हाथी को बाहर लेके जाना है तो ये दोनों साथ में चाहिए। अच्छा। और सेकंड, अगर अग्रेसिव हो जावे तो एलिफेंट्स, तो कंट्रोल करना इनके उनसे ही वही एक ऑप्शन है उनको कंट्रोल करने के। अच्छा। तो ये लगाने से ये नहीं होता? ये लगाने से इंडिकेशन दिया जाता है, मतलब पर्टिकुलर लेग वो हिलाएगी नहीं, रिमेनिंग थ्री लेग्स हिलाएगी, लेकिन गिर गया था भी वो हिलाएगी नहीं, वैसे ही रहेगा। अच्छा। एलिफेंट्स का बोले तो 5 साल का जो बच्चे रहते हैं नॉटीनेस वैसे ही रहते। अच्छा। अच्छा। गिरा मतलब अभी गिराया गया, गिराने के बाद भी देखो। पास से जाके शूट कर सकते हैं क्या एक बार? बात ले जाएंगे, मतलब ये आपको पहचानता नहीं ना। अच्छा, अच्छा, फीडिंग अच्छा, करेंगे अच्छा, उसके बाद हम जाएंगे पास में। अच्छा अच्छा। आपको एक फैक्ट मालूम है? इनके इनका बहुत बड़ा साइज हमको दिख रहा है। हाँ। लेकिन ये आपने को देखे तो आपने उनसे भी बड़ा दिख रहा है। हमको उनके आंखें छोटे हैं तो हमको देखे तो हमसे बड़े दिखते हैं। आपने बचपन में उस कहानी सुना रहेगा, चींटी का और हाथी का। चींटी का और हाथी का। रियल फैक्ट ऐसा होता है, चींटी इनको देखे मतलब चींटी को ये देखेंगे तो बड़ा दिखती है। अच्छा। क्योंकि इनका साइज उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, मतलब कान के पीछे, कान जो है बड़ा प्रॉब्लम है, उसके पीछे उसको दिखता नहीं है। हाँ। उनका साइज, इसके लिए मोस्टली बोलते हैं हम लोग सेल्फी नहीं लेना। अच्छा। क्योंकि उनका साइज में उनको, लेकिन हर ऐसा भी बोल नहीं सकते, मिरर्स में कोई थाईलैंड विलैंड में दिखा दिया जाता है। लेकिन थाईलैंड में ऐसा होता है सेडक्टिव ड्रग्स देके इनका उनका एक्टिविटीज, एनिमल्स के साथ ऐसा क्रुएल्टी होता ही। और वहाँ के लोग यहाँ पे आते हैं ना तो बोलते हैं यहाँ पे नेचुरली होता है। तो रियल फैक्ट ये गिर गया तो पैर हिला गया नहीं, ऐसा 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 रखेगा। और रिवेंज इनके मन में लेके घूमती है। एग्जांपल मैं बोलता हूँ, यहाँ पे मेरा फीडिंग शावर के टाइम में एक बंदा राजस्थानी था, मारवाड़ी। मैं भी नहीं देखा, उन्होंने भी नहीं देखा, एक केला उठा के फीडिंग है ना उनका, केला खा लिया उसके सामने, और हमने भी नहीं देखा था। लेकिन जब फोटो सेक्शन में आ गए तो उनको खड़े नहीं रहेंगे। हाँ। तो उसको फोटो निकालने नहीं दिया लास्ट तक, फिर हम लोग ने दूसरे हाथी से उनको फोटो निकाला, मतलब उतना और रिवेंज मेरा खाना है। यहाँ पे भी आप फीडिंग करने जा रहे हो, फीडिंग दिखा देंगे कैसा, अगर नीचे गिरा तो उठाना नहीं, वो खुद उठा लेगा। अच्छा। I am caring but I don't like और इनका खाना बोले तो दिन में 10% ऑफ देयर बॉडी वेट बोलते हैं,
अगर ये 3 टन की है, 3.5 टन की एलिफेंट है तो 350 किलो दिन में खा लेते हैं। अच्छा, उसमें कोकोनट लीव्स, पाम लीव्स, बाम्बूस, बनाना, बनाना स्टेम, सब कुछ चल जाता है, और प्लस 10 kg ऑफ बॉइल्ड राइस विद आयुर्वेदा मेडिसिन। ओके, तो 5 सुबह 5 शाम, तो स्टार्ट करें प्रोग्राम। तो आ जाओ ऊपर, अभी हम देखने वाले कैसा वो ड्रैग करते हैं और कैसा ये लिफ्ट करेंगे। अच्छा, ड्रैगिंग फील, डोंट फील सैड, दे वांट टू डू समथिंग, दे वांट टू डू सम एक्सरसाइज टू कीप देम हेल्थी, बिकॉज वन एलिफेंट डाइड, यू हियर अबाउट दैट, लक्ष्मी नेम्ड पोंडिचेरी, बिकॉज ऑफ शुगर एंड हाई कार्डियक अरेस्ट शी डाइड, सो दैट्स व्हाई वी आर आल्सो इन हाई अलर्ट दैट मैक्स 5 to 10 kilometers दे वांट टू वॉक and they want to do some activities to keep them healthy. So it's good for them to do something. Yeah, if not there, then also they will do the activities and go. Yeah. Okay. So shall we start? Absolutely. Yeah. Okay. And they can drag half of their weight. Here, 2 tons they can drag and go. Yeah. No issues for them. कैसे चलते हैं आगे ऊपर? Oh wow. Oh wow. पैर ऊपर भी कर लिया और आराम से चढ़ जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये दिखने में बिजी हो गई, एंगल शिफ्ट कर दिया, देखो हम कट टॉय की तरह, देखो हाँ डायरेक्शन जा रहा है, वहां पर कोई कमेंट नहीं है। मार्शल की तरह ढंग है इसमें तो। अरे मैडम बेटा ये एक्सरसाइज, पकड़ने देखो कितने बढ़िया से चीज पे, वेरी नाइस, ये वेरी गुड, ये स्टेशन करो, खाली बजाओ। इन्होंने बताया एलिफेंट्स लाइक एप्रिसिएशन, तो मैंने तो खूब अप्रिशिएट किया। और दूसरी चीज इन्होंने मैं ये भी बताया कि इसके लिए कुछ बुरा फील करने की जरूरत नहीं, बिकॉज दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर देम, बिकॉज थोड़ी एक्सरसाइज इज गोइंग टू कीप देम हेल्दी, तो अगर कोई नहीं भी होता है ना, स्टिल दे डू इट। साइड में साइड में कर, बहुत क्यूट है यार। यहाँ पे लिफ्ट करने जा रहा है, अगर मेल एलिफेंट रहेगा तो उसको ट्रंक के बीच में लेके जाएगा, ये डिफरेंस होता है। फीमेल का भी लिफ्ट है अपन का, पैर से ये आपने देखा रहेगा, वो एक रे मतलब लाइन बना दिया है, और आने के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एडजस्ट हो रहा है, कितना ज्यादा हैवी है, लेकिन कितने आराम से उठा, बहुत हैवी है ये। वेरी नाइस अंबिका, ये हो गया, ये अच्छा एलिफेंट्स के साथ ये भी बोलते हैं ना कि बहुत ही ज्यादा डीप आईज होती हैं इनके, मतलब
कि कोई अगर देखे भी तो ऐसा बोलते हैं शायद याद रखती है। मनीष पवार बहुत पावरफुल रहता है। और मेरा एक क्वेश्चन है, आंख से पानी क्यों आ रहा है? हाँ, ये क्लीनिंग में भी गर्मी स्वेटिंग होता है जो आंख से होता है, मतलब नेल के बीच में से होता है। तो नेल से स्वेट होता है या फिर आँख से होता है? एक्सेस हीट वहाँ से ही निकल रहा है। अच्छा, तो हम देखेंगे आँख से पानी आ रहा हो रहा है। इमोशनली कभी ऐसा हो रहेगा तो टेल के ऊपर मालूम पड़ता है। बेजिंग टेल, दे आर हैप्पी एलिफेंट्स। स्टिल टेल, दे आर सैड एलिफेंट्स, स्लीपरी एलिफेंट्स, स्टिफी एग्रेसिव एलिफेंट्स। ओके, तो हम जाए फीडिंग करें? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बहुत मजा आ रहा है इसको पानी में लेटने में। हैप्पी। ये एक्टिविटी में इनको सबसे ज्यादा मजा आता है क्योंकि इन लोग को पानी में रहना और नहाना ये सब बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो अब हम लोग भी यही करेंगे, पहले हम इनको नहलाएंगे फिर ये हमको नहलाएंगे। उसके बाद काम के लिए जाएंगे। ऐसे लग रहा है चीका को नहीं आ। कभी आपको ऐसा अपॉर्चुनिटी मिला इसमें? नहीं, कभी नहीं। वाह, फुल बॉक्स का। आप नहीं दिख रहे हो। हाँ, ये अभी आगे तो भाई बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया हमारे को आज। ये जो मतलब एक्सपीरियंस था ना, हम लोग बहुत टाइम से सोचे हुए थे कि हम लोग जब भी केरला आएंगे तो हमें ये एलिफेंट के साथ ये सब चीज़ें तो ट्राई करनी ही है। और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। आप जब भी आएँ तो यहाँ पे ये ज़रूर ट्राई करें। और साथ ही साथ काफ़ी सारी चीज़ें देख सुनने को मिली। चार हाथी हैं, दो एक बेस्ट फ्रेंड्स हैं और दो अलग बेस्ट फ्रेंड्स हैं, एक एक एज ग्रुप के हैं। मीना और फ्रेंड्स, मीनाक्षी एंड मीना, और अंबिका एंड रानी अंबिका एंड रानी आर फ्रेंड्स। तो एज ग्रुप के हिसाब से दोनों फ्रेंड्स हैं और आपस में खाना शेयर करते हैं। मतलब काफ़ी क्लोज एक इनकाउंटर आप बोल सकते हो कि बहुत ही क्लोजली आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है। अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं हम क्या कर सकते हैं थेकड़ी में, और घूमते हैं, कुछ खाते हैं, कुछ घूमते हैं, सब कुछ आपको दिखाते हैं। लेट्स गो।
तो भाई रास्ते में बहुत सारे व्यूज इंजॉय करते हुए हम आ गए हैं अभी जेनिस ग्रेपवाइन यार्ड में। बहुत ही ज़्यादा फेमस है ये, आपको यहाँ पे कितनी गाड़ियाँ देख के लग रहा होगा कि अच्छा खासा मतलब रश है, बहुत सारे लोग आए हैं। और ये एक्चुअली में जगह पड़ती है तमिलनाडु में, हम लोग जहाँ पे अभी थेकड़ी में थे वहाँ वो जो जगह है ना वो तमिलनाडु के बॉर्डर पे ही है एकदम, तो वहाँ से यहाँ आने में मुश्किल से आधा घंटा लगता है और बहुत ही अच्छा है। हमने कहा कि हमने भी आज तक अभी ग्रेपयार्ड नहीं देखे हैं तो हम भी चलते हैं और देखते हैं कि क्या है यहाँ पे। हाँ हर तरफ ग्रेप्स ही ग्रेप्स हैं। यहाँ पे आप वाइन टेस्टिंग भी कर सकते हैं और वाइन खरीद भी सकते हैं और कुछ जूस टाइप का है वो भी पी सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। हम भी अभी ट्राई करते हैं, क्या बोलते हो? ये स्मेल तो बिल्कुल वाइन जैसी है, नॉन अल्कोहलिक है। हल्की सी एंड में कड़वाहट है बट फर्स्ट टेस्ट ठीक है। अच्छा वाइन के जैसा ही, बिल्कुल वाइन का टेस्ट है ऑब्वियसली। और ये ग्रेप जूस भी मिल रहा है यहाँ पे एकदम फ्रेश ग्रेप्स का। हाँ। और ये तो बहुत ही रिफ्रेशिंग है, बहुत ही ज्यादा ठीक है। देखो बहुत रिफ्रेशिंग है, पता है कैसा है इसका टेस्ट? जैसे फालसे का शरबत पीते हैं ना हम लोग, बिल्कुल वैसा टेस्ट है। एनीथिंग यू वांट टू टेस्ट इट्स 100 रुपीज। तो भाई हम वापस वहीं आ गए हैं जहाँ पे हमने सुबह स्टार्ट करा था और यहाँ पे हम जा रहे हैं आपको मार्केट दिखाने के लिए। यहाँ पे बहुत सारी स्पाइसेस की शॉप और बनाना चिप्स ये सब चीज़ें मिलती हैं, हम भी अपने घर के लिए लेंगे ये सारी चीज़ें। तो हम भी अपने घर के लिए लेंगे स्पाइसेस। सबसे पहले चलते हैं कुछ खाते हैं, स्नैक्स वगैरह, क्योंकि भूख लगी है। कई सारे स्पाइस गार्डन भी हैं तो आप अगर यहाँ आते हैं तो आप स्पाइस गार्डन भी विज़िट कर सकते हैं और स्पाइसेस परचेज भी कर सकते हैं बिकॉज केरला के स्पाइसेस आर रियली गुड। तो भाई ये देखिए बहुत सारा सामान ले लिया है, टोटल 3985 के हमने मसाले लिए हैं। ये भी एक पैकेट और एक पैकेट, ये एकदम भर भर के ले लिया है, बहुत बढ़िया। चलते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ पे कैसी है मार्केट। हाँ चलते हैं थोड़ा सा। लाइन से यहाँ पे ये मसाले की मार्केट है तो आप कहीं पर भी ले सकते हैं, लेकिन लीजिएगा मार्केट में ही, वो स्पाइस गार्डन में मत लीजिएगा क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। अगर आप लोग को कोई ऐसा मतलब स्पेसिफिक आयुर्वेदिक कोई चीज़ लेना हो ना तो फिर आप मतलब मेडिसिनल पर्पस से अगर आपको कुछ लेना हो ना तो फिर आप स्पाइस गार्डन से ले सकते हो क्योंकि वहाँ पे ना आपको स्पेसिफिक्स बहुत ही अच्छे से मिल जाएंगे, कोई जड़ी बूटी या कुछ इस टाइप का। बट अगर मसाले लेने हो तो फिर ये सबसे अच्छी जगह है, यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे रेट में मिल जाएगा। हम लोग ने बहुत सारे एक्चुअली मसाले लिए तब जाके हमने 3985 पे कराए। अभी ये देखो ना यहाँ पे फ्रेश बनाते हैं केरला चिप्स। अच्छे पाइनएप्पल फ्लेवर कराची हलवा, कराची टेक हलवा।
How long we can keep it? 2 months. Shelf life तो काफी है ले जाने के लिए. It's a good thing. यहाँ पे ना अभी हम लोग ने मसाज के लिए भी पूछा था, जिसका प्राइस था कुछ 2500, बट वो कम करते करते हमारे को 1250 में भी कर रहे थे. तो अगर कभी आप यहाँ पे आते हैं तो केरला की ऑथेंटिक मसाज को भी ट्राई कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी हो सकती है, स्टीम वगैरह के साथ. बहुत सारी चीज़ें थी उसमें, काफ़ी अच्छा था. फिलहाल तो चलते हैं हम लोग पार्किंग की तरफ. अगर आप तेकड़ी आ रहे हैं तो दिस एलिफेंट जंक्शन इज समथिंग दैट यू शुड डू, यू मस्ट डू. ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है, ट्रस्ट मी. आप अगर वहाँ पे 2000 rupees पे करेंगे ना तो आप बिल्कुल रिग्रेट नहीं करेंगे. इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग. और हमने आज का दिन जितना इंजॉय किया है ना, हम आपको बता भी नहीं सकते. आई होप आपको भी वीडियो में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आई होगी और आपने हमारे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया होगा. नहीं करा है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए. हमारी रोड ट्रिप टू इंडिया में आपको अभी हमारे साथ बहुत सारा ट्रैवल करना है. ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा. हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए. टेक केयर, बाय बाय, कीप स्माइलिंग, बाय.